नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कल हम एक नियोन राज का जो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू किए थे, जिनमें कि ओबीसी को लेकर के दिक्कत हुआ था, जो खुद चेयरमैन से बात किए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, आज उनका मेडिकल रिव्यू किए करते हैं। ठीक है, वो पिछले 3-4 दिन से मेडिकल को लेकर के भटक रहे हैं, तो क्या क्या मेडिकल में दिक्कत आ रही है, क्या क्या हो रहा है, उनके साथ भी क्या क्या हुआ, वो सारा कुछ हम पूछते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करके पूरा वीडियो देखना, और जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक जल्द से जल्द पहुंचे। आइए पूछते हैं। तो न्यून, आपका मेडिकल कब था? मेरा मेडिकल 27 तारीख इधर को आइए। कब था। था? 27 को। 27 तारीख को तो फाइनली आज बता रहे हैं कि आज आपका मेडिकल कंप्लीट हुआ है ना। तो क्या क्या दिक्कत हुआ था जो 27 से आज यानी कि 2 तारीख हो रहा है, तो चार तीन चार दिन जो भी लगा, तो क्या क्या दिक्कत हुआ आप बताएंगे? इसमें सबसे ज्यादा आई विजन जो टेस्ट है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आई को लेकर के। हाँ, अच्छा, आँख को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है पहले सबको। ये बताइए, आप जब मेडिकल के लिए गए तो आपसे डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाया गया, सबसे पहले साइन जी, फोटो जो भी था, उसके बाद सबसे पहले आपको कहाँ भेजा गया? अच्छा, सबसे पहले एक्सरे कराया गया, उसके बाद कुछ एक्सरे, बीपी, वो सब हो गया, वो सब नॉर्मल है, किसी का कोई दिक्कत नहीं हो हाँ रहा होगा उसमें मेरे कोई ख्याल दिक्कत से, नहीं तो वो हुआ। हो गया। उसके बाद क्या हुआ बताइए। हम लोग को 4 टेस्ट होना था, चारों टेस्ट हो गया। उसके लास्ट में जब फाइनली हो गया, लगभग मेरा 1-2 2.5 बजे हो गया था, तो उन लोग बोला कि आप लोग बाहर बैठिए। तो हम लोग 2-3 घंटे लगभग इंतजार किए। जब शाम हो गया तो शाम को सब लड़का को कॉल कर करके बुलाया जा रहा था, नाम लेकर कि तो मेरा भी नाम आया। तो हमको लोग बोला कि कल आप 10 बजे से चश्मा लेकर यहाँ पे आइए, 28 तारीख मतलब को। तो उसके पहले आपका आंख का टेस्ट हुआ होगा हाँ ना, हुआ क्या है, टेस्ट हुआ था सबसे पहले आंख में? दूर से जो सी जो लेटर दूरबीन, है, हाँ, हाँ वो टेस्ट हुआ, वो दूर से जैसे छोटा वाला जो लेटर दिखाई दे रहा था उसको उसको पढ़ना है देखकर आपको। बताना था कि मैंने कट किधर है। अच्छा, अगर इधर इस राइट साइड में तो राइट साइड में बताना है, यदि लेफ्ट साइड में था तो लेफ्ट साइड में बताना था। उसके बाद? तो उसी में मेरा प्रॉब्लम हुआ था। अच्छा, उसी में आपको दिक्कत हाँ हो रहा उसी में था। प्रॉब्लम हुआ था। फिर उसके बाद तो उसमें मतलब आपका पावर कम था या ज्यादा था? हाँ तो उन लोग वही बोला कि कल आप 10 बजे से चश्मा बना कर लेकर आइएगा। तो हम अपना चश्मा बना कर ले गए। उसके बाद फिर उसके अगले दिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मेरा केवल वहाँ पर चश्मे का जो रिपोर्ट है डॉक्टर से बना कर दिए वो जमा किया। फिर उसके बाद शाम हो गया, फिर उसके बाद बोला कि कल आप लाइए 11 बजे से। तो फिर हम कल भी गए। उसके बाद उसमें फिर मेरा एक जो सी वाला जो कट कट, था। हाँ, हाँ आई विजन टेस्ट जो था वो भी चेक किया गया। उसके बाद फिर शाम हो गया। इंतजार करते करते हम लोग बोला कि बाहर बैठिए और इंतजार करिए। तो उसके बाद फिर अगले दिन हमको कॉल किया गया, बुलाया गया। तो फाइनली मतलब मतलब उस दिन भी वेट करके आपको वो शाम को बोल हाँ दिया कि जाने के लिए, फिर अगला दिन बुलाया बाकी टेस्ट के लिए। हाँ अगला दिन बुलाया। तो अगला दिन भी मेरा ये जो चश्मा है उसका पावर चेक हुआ और कलर ब्राइटनेस चेक किया लोग। तो उसके अच्छा, बाद मेरा शाम को फाइनली बोल दिया गया आपका डॉक्यूमेंट मेडिकल सॉरी हो गया, फाइनली आप घर जा सकते हैं। तो मेडिकल जब आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या आपको कुछ बोला क्या कि हाँ आप फिट हैं या अनफिट है, ऐसा कुछ कुछ उन ओपनली लोग बोला क्या? हाँ उन लोग लास्ट में जब मेरा नाम बुलाया गया तो वापस पेपर पे सिग्नेचर कराया गया और LTI थंब मतलब लिया लेफ्ट गया थंब और इंप्रेशन लेफ्ट लिया थंब गया। इम्प्रेशन लिया गया। और उसके बाद बोला कि अब आप लोग घर जाइए, आप अपने मतलब घर जाइए, घर जाने के लोग बोल दिए। अच्छा, और मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के भी किसी का कोई दिक्कत हो रहा था? हाँ दिक्कत हो रहा था बहुत लोग को, तो उन लोग को दोबारा फिर बुलाया जा रहा मतलब था। री मेडिकल के लिए टाइम दे रहा था, और उन लोग को भी ऐसे 3 दिन 4 दिन लग रहा था या हाँ एक लग दिन ही में जा हो रहा जाएगा है, था? हाँ लग जा रहा है। आई टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको भी री मेडिकल कर दिया जा रहा है उसको लगभग 4 दिन या 5 दिन यहाँ पर रुकना पड़ जा रहा है। अच्छा, हाँ मतलब आंख में अगर किसी का कोई दिक्कत होता है, चाहे कोई भी टेस्ट हो, वो चाहे लैजिक सर्जरी हो या कलर ब्लाइंडनेस हो या फिर दूरदृष्टि दोष हो, कुछ भी हो, तो उनके लिए करीबन 3 4 दिन टाइम ले ले रहा है ना। ले ले रहा है। अच्छा, और कुछ ऐसा जो आपको देखने को मिला मेडिकल में, ये दिक्कत हो सकता है? ऐसा तो और कुछ दिक्कत नहीं है, आई को ही लेकर ज्यादातर दिक्कत हमको जहाँ तक हुआ। और सारे बच्चे को यही ज्यादा समस्या मतलब 90% जो थे आंख आँख को लेकर के को ही लेकर रहेगा। सबको कॉल किया जाता था, अच्छा, बुलाया जाता था ECG भी हो दोबारा। रहा था बहुत लोगों का नहीं या कुछ वहाँ कुछ पे का ECG नहीं हुआ था, नहीं हो रहा था? नहीं वहाँ अच्छा। ECG नहीं।
अच्छा, आप जो हमारे व्यूअर हैं या जो आने वाले हैं न्यू कैंडिडेट हैं जिनका मेडिकल वगैरह होना बाकी है, उनके लिए आप कुछ ऐसा न्यूज़ देना चाहेंगे? ऐसे तो सब कोई अपने बारे में सोचता है कि फिजिकली हम लोग सब सही है, लेकिन वहाँ पे मेडिकल में जाने के बाद आई में जो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो उन लोग के लिए अभी भी जो छात्र जिनके आगे चलकर मेडिकल है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना आँख का जांच करवा सकते हैं, और यदि कोई पहले से चश्मा कभी यूज किए हैं तो वो किसी डॉक्टर से ना अपना रिपोर्ट बनवा ले और चश्मा ले सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। मतलब हाँ अगर किन्हीं को कभी वो चश्मा पहने हैं या फिर जिनका डाउट है आँख को लेकर के, तो वो अपना डॉक्टर से हाँ आँख दिखा करके उनका प्रेस्क्रिप्शन और अगर चश्मा लगता है तो भी चश्मा लेकर के हाँ आए, यही बहुत कहना चाह बहुत रहे हैं। बेटर होगा। हाँ, क्योंकि इसके लिए 4-5 दिन रुकना इसमें थोड़ा पड़ेगा। टाइम हाँ, बच बहुत जाएगा, है ज़्यादा ना? मुश्किल हो जाएगा आगे बहुत चलकर। बहुत धन्यवाद इस सजेशन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इनका मेडिकल हुआ, आपने सुना ही। ठीक है, तो अगर किन्हीं का रीमेडिकल होता है तो उनको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है और थोड़ा टाइम भी लग भी रहा है। नॉर्मल सा बात है, ये थोड़ा ऑफिशियली वर्क है और समझ सकते हैं कि इतने कैंडिडेट को हैंडल करना एक बार में, और ख़ास करके जब वो परमानेंट सर्विस में आ रहे हैं तो थोड़ा सा तो टाइम लग भी सकता है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।